हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लाया हूं एक और एडवांस स्ट्रक्चर फ्रेंड। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फॉर द सेक ऑफ। कई बार दोस्तों हाई फाई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ये देखने को मिलता है कि लोग यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ। क्या होता है ये फॉर द सेक ऑफ, आइए देखते हैं दोस्तों। गाइस, फॉर द सेक ऑफ का मतलब है कि किसी के खातिर, आप किसी के खातिर कोई काम करते हैं, इट मींस कि आप वहां पर फॉर द सेक ऑफ लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बच्चों के खातिर, तो मुझे बोलना होगा फॉर द सेक ऑफ माय चिल्ड्रन या माय किड्स। अगर मैं बोलूं कि अपनी पत्नी के खातिर, फॉर द सेक ऑफ माय वाइफ। अगर बोलना होगा कि इस देश के खातिर, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। तो इस तरीके से हम सेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं और ट्रांसलेट करता हूं। उससे पहले बता दूं कि जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन। सो आइए दोस्तों देखते हैं। गाइस, एक सेंटेंस है कि मैं अपने बच्चों के खातिर सब कुछ सह लिया, यानी कि मैंने अपने बच्चों के खातिर सब कुछ सह लिया। इट मींस कि उनकी वजह से, उनके लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ा। तो क्या होगा रूल, देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले आप वो सेंटेंस उठाइए कि आपने क्या किया। यहां देखिए दो टुकड़े हैं इसके। एक है कि मैंने अपने बच्चों के खातिर, ये आपका चला गया फॉर द सेक ऑफ वाले में। बाकी है कि सब कुछ सह लिया, ये आपका सेंटेंस है। तो इसको आप उठाइए, यहां से मैंने ले लीजिए और यहां से सेंटेंस ले लीजिए। तो आइए सबसे पहले इसे ट्रांसलेट करते हैं। ये है मैंने, यानी कि आई। उसके बाद सब कुछ सह लिया, सह लिया मतलब टॉलरेट कर लिया। तो सेकेंड फॉर्म लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट है ये। आई टॉलरेटेड सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब लगाना है आपको फॉर द सेक ऑफ। तो यहां पर आप लगाइए फॉर द सेक ऑफ, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो फॉर द सेक ऑफ माय चिल्ड्रन या माय किड्स आप बोल सकते हैं। तो आपका पूरा सेंटेंस है फ्रेंड्स, आई टॉलरेटेड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ माय चिल्ड्रन। अपने बच्चों के खातिर मैं सब कुछ सह लिया। कई बार आप यहां पर फॉर के बाद डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर माय सेक, यानी कि मेरी खातिर, फॉर हिज सेक उसके खातिर, फॉर योर सेक तुम्हारे खातिर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सुना होगा फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर, भगवान के लिए, सुना होगा अपने फ्रेंड्स और बोला भी होगा। सो गाइस, एक और देखते हैं एग्जांपल। वह देश के खातिर मर गया, उसने अपनी जान दे दी देश के खातिर। तो सबसे पहले आप सेंटेंस लीजिए वह और यहां मर गया, यह आपका एक सेंटेंस होगा। तो ही डाइड, वह मर गया देश के खातिर। अब लगाइए फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या है, देश, यानी कि कंट्री। तो आपका पूरा सेंटेंस है ही डाइड फॉर द सेक ऑफ कंट्री, देश की खातिर वो मर गया, अपनी जान दे दी। सो गाइस, एक छोटा सा ये टॉपिक मैं लाया था, तो कुछ और एग्जांपल्स बोलता हूं, प्लीज देखिए फ्रेंड्स। मैं पैसों के खातिर यहां काम करता हूं, आई वर्क हियर फॉर द सेक ऑफ मनी। अपने हेल्थ के खातिर, स्वास्थ्य के खातिर मैंने शराब पीनी छोड़ दी, आई गेव अप ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ। ये जो मैंने गेव अप बोला है, ये गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब छोड़ देना, उसका सेकेंड फॉर्म था फ्रेंड्स। अपने बच्चे के एडमिशन के खातिर मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी, आई हैड टू सेल माई कार फॉर द सेक ऑफ द एडमिशन ऑफ माई चाइल्ड, या फॉर द सेक ऑफ माई चाइल्ड्स एडमिशन। सो गाइस, ये छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। वेल गाइस, अगर ये टॉपिक आपके समझ में आया हो, तो जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ जाएं। और बाकी जो जुड़ चुके हैं गाइस, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।